हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट। यह भी एक कार्बोकैटायनिक रिअरेंजमेंट है। इसमें भी वन टू शिफ्टिंग होती है। जैसे पिछले वीडियोस में आपने कुछ रिअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में देखा था, तो स्पेशली बेंजिल बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट होता क्या है? इस रिएक्शन में डाई कीटोन्स मॉलिक्यूल जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। डाई कीटोन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेशली। बट एक सबसे बड़ी खासियत इस रीअरेंजमेंट की यह है कि दिस इज़ द फर्स्ट रीअरेंजमेंट। यही ऑर्गेनिक सिंथेसिस का फर्स्ट रीअरेंजमेंट है विच इज़ रिपोर्टेड इन द रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एंड दिस बिकम ए क्लासिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। यही जो है एक क्लासिकल रिएक्शंस हो गया ऑर्गेनिक सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले इस सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया था, इस रिअरेंजमेंट को एक्सप्लेन किया गया था, और इसी को बेस लेकर के फिर आगे फर्दर इसी का कई बार मॉडिफिकेशन, नियर अबाउट 12 to 22 टाइम दिस इज़ मॉडिफाइड, एंड दिस इज़ द बेस्ट रिअरेंजमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजिलिक एसिड। इस रिअरेंजमेंट में होता क्या है? बेंजिलिक एसिड रिअरेंजमेंट इज फॉर्मली द वन टू रिअरेंजमेंट ऑफ वन टू डाइकेटोन्स टू फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। दिस बेस में बी आइदर एन ए एच आर के एच एनी वन। इट इज़ फर्स्ट रिपोर्टेड एग्जाम्पल ऑफ रिअरेंजमेंट रिएक्शन। इट हैज़ बिकम ए क्लासिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। दिस रिएक्शन रिसीव इट्स नेम फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ बेंजिल विथ के एच टू फॉर्म बेंजिलिक एसिड। इट वॉज नेम्ड हाउ दिस रिअरेंजमेंट इज कॉल्ड बेंजिल बेंजिलिक एसिड बिकॉज इन दिस केस स्पेशली बेंजिल इज कन्वर्टेड इन टू बेंजिलिक एसिड। दैट बेंजिल इज वन टाइप ऑफ वन टू डाइकेटोन। सो हियर जनरल रिएक्शन आर शोन हियर। इन दिस केस दिस इज द जनरल कीटोन। हियर यू कैन से दैट दिस इज द जनरल कीटोन। बट इफ यू टेक दिस एक्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट देन हियर एक्स में बी ओ आर देन सी ओ आर। दिस इज समवॉट एस्टर टाइप। दिस इज समवॉट एस्टर टाइप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक ऑन दिस कार्बन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स ऑक्सीजन एटम टू मेक द मालिक्यूल्स एनाइनिक, एंड दिस एनाइनिक मालिक्यूल अंडर गोज रीअरेंजमेंट विथ लिबरेशन ऑफ एक्स टू फार्म एसिड। What happens in this reaction? In this reaction, the addition of strong base is taking place to the carbonyl group. Here you see that this strong base is added with the carbonyl group, and which result in formation of anion. And then the reversal of the rearrangement. Once again, the rearrangement is reversed. How this is reversed? You can say that the reversal of anionic charges make cause expulsion of this group and make resulting product that is carboxylic acid. But however, in 1,2 diketone the group X may migrate to the adjacent deficient carbonyl carbon forming alpha hydroxy acid. There is formation of alpha hydroxy acid. तो बेंजिलिक एसिड में स्पेशली होता क्या है कि 1,2 डाइकेटोन्स लिया जाता है, लेकिन दिस इज ए जनरल रिएक्शन। यानी एक तरह से ये कहा जाए कि बेंजिलिक एसिड रिएक्शन तभी परफॉर्म होगा जब ये रिएक्शन तब परफॉर्म होता है कि जब जो डाइकीटोन है कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ कोई अल्फा हाइड्रोजन न जुड़ा हुआ। अगर अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो ये मॉलिक्यूल फिर
बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नहीं देगा तो फिर ये जो है देना शुरू कर देता है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। वहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देता न कि जो है बेंजिलिक बेंजिल बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो हियर यू सी दैट द जनरल एग्जाम्पल ऑफ बेंजिल C6S5 C double bond O C double bond O C6S5 which is treated with NaOH and to form a product sodium salt of benzylic acid. And finally what happened? Once again water molecule is reacted with this molecule sodium salt and to form a carboxylic acid, because water molecule is used to stabilize this carboxylate ion. Thus the reaction has been shown to work in aromatic, semi-aromatic and aliphatic and heterocyclic substrates. So many types of reactants can involve in this benzyl benzylic acid rearrangement. So this is the good rearrangement for carbocation stability. Now we come at the mechanism of this reaction. What happens? Here you see that first of all hydroxyl group, you can say that NaOH is ionized to give OH minus and Na plus. Now OH minus, this work as a strong base which attack on the first carbonyl group, or other way you can say that here is the general nucleophilic addition reaction takes place. When nucleophile attack on this carbonyl group to make the molecule anionic, this anion is alkoxide ion. Why? Because this bond is delocalized towards oxygen atom, and this delocalized towards oxygen atom and for alkoxide ion like this. Now this alkoxide ion, once again reversal of the charge. Reversal of the charge takes place and same time the migration of the phenyl group to the next carbonyl carbon. Here you see that this is 1-2 shift, you can say that this is 1-2 shift of phenyl group, because you know that phenyl group is much more migratory aptitude than alkyl group, so this is the better migration of phenyl group. This migrate at the carbonyl carbon under 1-2 shift. This is slow reaction, and so this is called rate determining step or rate determining reactions. And the form the anion second. Here you see that there is formation of anion second by the migration of phenyl group at this carbonyl carbon. And once again what happened, this ionic charge is stabilized by the proton transfer, from where this negatively charged oxygen take the proton from this carboxylate acid to make it, to convert this ion into hydroxy group, and this carboxylic group becomes carboxylate ion. Now you know that this carboxylate ion is we can say that this is stable, but when you put a here sodium plus in the reaction, then what happened? Then water molecule you used, because this water molecule participating to their responsibility to stabilize the charge buildup. This charge buildup in this case, that is stabilized by the water molecule. यानी इस मॉलिक्यूल में जो चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है वो वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चार्ज को स्टेबलाइज करे, जिससे एक बेटर, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सके. हियर यू सी दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजिलिक एसिड. सो ओवरऑल इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. That is called benzyl benzylic acid rearrangement. Further on, तो हमारा अगला rearrangement reaction है Dazhnov rearrangement.
डैजनोव रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये एक तरह से रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, इसमें रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है. दिस गिव्स द रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट, वी कैन से दैट दिस गिव्स द रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट. इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि एमीन मॉलिक्यूल जिसे हम प्राइमरी एमीन भी कह सकते हैं, प्राइमरी एमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, और ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू इसका कन्वर्जन हो जाता है अल्कोहल में. तो सिंस डाइएजो ग्रुप इज बेटर लिविंग ग्रुप दैट इज इजली डिस्प्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन. यू कैन से दैट वी कैन से दैट दिस इज टाइप ऑफ डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बिकॉज देर इज फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. सो दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ नाइट्रस एसिड टू गिव रीअरेंज्ड अल्कोहल. इट इन्वॉल्व्स सब्स्टिट्यूशन बाई OH ग्रुप विथ ए पॉसिबल रिंग एक्सपेंशन. इट इज नेम्ड आफ्टर रशियन केमिस्ट निकोलाई जैकोलविच डैजनोव इन 1863 to 1938. तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, इसका जनरल एग्जाम्पल कि यहाँ पर एक प्राइमरी एमीन लिया गया है जिसे हम 2-butyl एथिलेमीन कह सकते हैं. दिस इज 2-butyl एथिलेमीन. नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होता है. तो यहाँ पर देखिए 2-butyl इथेनॉल और साइक्लोपेंटेनॉल का फॉर्मेशन होता है. ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर देखा जाए, रिएक्शन प्रोसेस को, तो ये रिएक्शन प्रोसेस दो पाथ से प्रोसीड होता है. पाथ है और पाथ भी हम ये कह सकते हैं कि ये दो टाइप्स के मैकेनिज्म से चलता है बिकॉज दिस रिएक्शन इज रिजियो सेलेक्टिव. और रिजियो सेलेक्टिव में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वन आइसोमर गिव टू डिफरेंट टाइप ऑफ, यू कैन से दैट मोर देन टू डिफरेंट आइसोमर एंड विच इज डोमिनेंट इन ईच. ये भी डोमिनेंट होता है, ये भी डोमिनेंट होता है, ये अपने फॉर्म में डोमिनेंट होता है, अपने फॉर्म में डोमिनेंट होता है. तो रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मेन मोटो है, द रिएक्शन प्रोसेस बिगिंस विथ डीलोकलाइजेशन ऑफ एमीन बाई नाइट्रस एसिड. तो इसमें होता क्या है, डाइएजोटाइजेशन का हो जाता है एमीन का. सबसे पहले डाइएजोटाइजेशन होता है, किसके द्वारा होता है, नाइट्रस एसिड के थ्रू होता है. फिर जिसमें डाइजोनियम ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप सो इट इज इजली एलिमिनेटेड बाई हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड टू गिव ए ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर. यह ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, OH हो सकता है, एक्सपेंशन रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है इसमें. तो सो द रिएक्शन इज टेकन प्लेस थ्रू टू paths, paths ए इन विच वन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड adjacent to the diazo group migrates the migration results the expansion of the ring. पहले पाथ में क्या होता है कि ये जो रिंग का एक्सपेंशन हो गया है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है, ये पेंटाइल ग्रुप है, वन मोर कार्बन में रिंग का एक्सपेंशन हो गया है, तो पहला पाथ जो होगा हमारा उसमें रिंग का एक्सपेंशन होगा. दिस पाथ इज कॉल्ड रिंग एक्सपेंशन मेथड. इन द सेकेंड पार्ट व्हाट हैपेंस इन द पाथ बी. इन दिस पाथ द रिजल्टिंग कार्बोकेटायन, द कार्बोकेटायन विच इज फॉर्म बिफोर इज देन अटैक्ड बाई ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. The diazo group can be displaced directly by H2O
इन एन SN2 रिएक्शन, यानी ये SN2 टाइप का रिएक्शन देता है। कि जैसे आपने SN2 रिएक्शन में देखा होगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये अपोजिट एक तरह से काउंटर अटैक करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे और लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। दिस इज द सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, यू कैन से दैट दिस इज सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एंड हियर इन दिस रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म, दैट इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। सो बोथ रूट्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, आइदर वी प्रोसीड द रिएक्शन थ्रू पाथ ए आर पाथ बी। इन बोथ द केसेज द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन आर द सेम। बोथ द केसेज एल्कोहल इज फॉर्म, बट भले ही ये जो है ब्यूटाइल जो है टू ब्यूटाइल इथाइल एल्कोहल हो या फिर साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल हो, लेकिन जो नेचर है रिएक्शन प्रोडक्ट का वो सेम है दोनों केसेस में। तो आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए हमारा है प्राइमरी एमीन, दिस इज द प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। और फिर प्राइमरी एमीन में होता क्या है, ये नाइट्रस एसिड है हमारा, नाइट्रस एसिड जिसको हम HNO2 लिखते हैं, HNO2। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनाते हैं, N डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर ऑक्सीजन यानी N डबल बॉन्ड हो या ऑक्सीजन इस H2 से इंटरेक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का लिब्रेशन हो जाता है। तो ये पूरा ऑक्सीजन ग्रुप जो है ये जुड़ जाता है नाइट्रोजन से, ये देखिए यहाँ जुड़ गया। अब पुनः क्या होता है कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर यह स्टेबलाइजेशन करता है और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एलिमिनेट करा देता है, यहाँ हो जाता है एलिमिनेशन और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है डाइएजो कैटायन का, यानी सॉरी डाइजोनियम आयन का, नॉट कैटायन, दिस इज डाइजोनियम आयन, डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब फिर क्या होता है, जैसे ही यहाँ डाइजोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है तुरंत ये रिंग का एक्सपेंशन होता है, यानी ये कार्बन बॉन्ड जिसे हम इसे 1-2 कहें, ओके, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से हटके यहाँ चला जाता है इसके पास। और तो जैसे यहाँ जुड़ता है तो क्या हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ से विद द लिब्रेशन ऑफ N2 ग्रुप, एक साथ लिब्रेशन होता है रिंग एक्सपेंशन में, ये यहाँ जो है बॉन्ड मूव किया, शिफ्ट किया, बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई और यहाँ से मूवमेंट हुआ N2 का और फॉर्मेशन हो जाता है साइक्लोपेंटेनियम आयन का, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटिल कैटायन बन जाता है। इस साइक्लोपेंटिल कैटायन पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, यहाँ अटैक किया, अब आप देख सकते हैं कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब यहाँ अटैक किया तो ऑक्सीजन कार्बन से बाइंड अप हो जाता है तो यहाँ ऑक्सीजन की बैलेंसी एक्सेस हो जाती है। तो इस एक्सेस बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाता है और फिर ये फर्दर डीप्रोटोनेशन के थ्रू एक स्टेबल प्रोडक्ट देता है जो कि साइक्लोपेंटिल एल्कोहल होता है, पेंटाइल एल्कोहल। डीप्रोटोनेशन हुआ और यहाँ फॉर्मेशन हुआ साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल का, ओके। दूसरे पाथ में क्या होता है, सेकेंड रूट में क्या होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सेम प्राइमरी एमीन इज टेकन हियर एंड द सेम रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड टेक्स प्लेस टू फॉर्म द डाइजोनियम आयन, हियर इज डाइजोनियम आयन फॉर्मेशन। जो ऊपर हुआ सेम, यहाँ तक प्रोसेस सेम होता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ आपने देखा कि रिंग का एक्सपेंशन, यानी रिंग ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ अटैक करता है, जबकि इस केस में क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, आपने देखा। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये SN2 टाइप का रिएक्शन है, यहाँ SN2 हो रहा है, देखिए H2O मॉलिक्यूल जो हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है यहाँ इस कार्बन पर और यहाँ से लिब्रेशन हो रहा है किसका,
नाइट्रोजन गैस का। एक जो ग्रुप यहाँ ब्रेक डाउन हो जा रहा है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे पुनः देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड अप हो जाता है, और इस तरह से फिर यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन हुआ, ओके। और यहाँ फॉर्मेशन होता है साइक्लोब्यूटिल, मिथाइल अल्कोहल का। वी कैन से दैट दिस इज द नॉट, दिस इज वन एंड टू। यहाँ फॉर्मेशन होता है साइक्लोब्यूटिल मिथाइल अल्कोहल का। हियर इज ऑल साइक्लोब्यूटिल मिथाइल अल्कोहल, ओके। नाउ वी सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेजनोब रीअरेंजमेंट। दिस मेथड इज यूज इन रिंग इनलार्जमेंट इन 4, 5 and 6 मेंबर रिंग बाई 1 carbon। इस रिएक्शन का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? रिंग के इनलार्जमेंट में, रिंग के एक्सपेंशन में, रिंग को बढ़ाने में, स्पेशली जो है 4 member, 5 member और 6 member में। और 4, 5 में बदलता है, 5, 6 में बदलता है, 6, 7 में बदलता है, एंड सो ऑन। इट इज़ ससेप्टेबल टू रिजियो सिलेक्टिविटी। हमने आपको पहले ही बताया है कि ये रिएक्शन जो है रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, रिजियो सिलेक्टिव। सो हाउ कैन यू प्रूव दैट दिस इज ए रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन मीन्स वन स्टार्टिंग मटेरियल गिव्स मोर देन टू डिफरेंट एंड डोमिनेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हियर यू सी दैट हियर इज एक्सोमिथाइलमीन। हाउ कैन से दैट दिस इज द एक्सो ग्रुप एंड इंडो ग्रुप। एक्सो और इंडो का मतलब होता है ये दो नए टर्म्स हैं जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए अगर तो ए डबली बॉन्डेड के यानी ये एबव द एक्सियल पोजीशन, एक तरह से देखा जाए इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, और ये एक्सोमेथाइल एमीन का फॉर्मेशन करता है। अगर इसका नाइट्रेशन कराया जाए तो सेम है कि फॉर्मेशन होगा अल्कोहल का। यहाँ पर देख सकते हैं हमें इस रिंग से नहीं मतलब है, स्पेशली इस NH2 ग्रुप से मतलब है कि NH2 ग्रुप जो है अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द एक्सोमिथाइल एमीन। और इसमें होता क्या है, नो रिंग इनलार्जमेंट सिंगल प्रोडक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन है जो ये प्रूव करता है कि डेजनोब रिएक्शन रीअरेंजमेंट जो है एक रेजियो सेलेक्टिव टाइप का रिएक्शन है कि जिसमें वन आइसोमर गिव मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। हियर यू सी दैट वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंडोमिथाइलमीन, इंडो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर ये इसके पास आता है डबल बॉन्ड के ये ग्रुप तो ये इंडो होता है, और अगर ये इससे दूर होता है तो ये एक्सो होता है। तो यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं रिंग का इनलार्जमेंट हो जाता है, और क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ रीअरेंज्ड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हियर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ रीअरेंज्ड अल्कोहल। दिस इज फॉर अभी केसेस में आप ये देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है वो इस स्मॉल रिंग में लगा हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड है वो इस कैपिटल रिंग में लगा हुआ है। तो दिस रिएक्शन इज ओवरऑल इज द रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। सो इस तरह से डेजनोब रिएक्शंस जो है या रीअरेंजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट है जो स्पेशली कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है।
कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है तो कितने टाइप्स का रिएक्शन देता है, कैसे रिएक्शन क्रिएट होता है एंड सो ऑन. नाउ वी कम द नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन. दिस इज आवर नेक्स्ट मैकेनिज्म इज आर्ट-स्टट रिएक्शन या आर्ट-स्टट रीअरेंजमेंट. व्हाट हैपेंस इन दिस रीअरेंजमेंट, इस रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी चेन इंक्रीज कर जाती है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एक मेथिलीन ग्रुप का एडिशन हो जाता है. दिस रिएक्शन जनरली कंसिस्ट इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बाई 1 CH2 मेथिलीन ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड. हियर यू सी दैट द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन. यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया है, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अंडरगोज हो रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना रहा है. नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज द यूनिक रिएक्शन. आप देख सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें रिएक्टेंट टाइप का ही प्रोडक्ट बना रहा है. कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट हो रहा है. बहुत ही यूनिक रिएक्शन है, लेकिन बहुत यूजफुल रिएक्शन है टू इंक्रीज द कार्बन चेन, कार्बन की चेन को बढ़ाने के लिए, स्पेशली इन केस ऑफ एसिड. तो इस रिएक्शन का एक जनरल जो है चेन हम देखते हैं कि किस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन एक्सेस हो जाती है. तो सबसे पहले होता है क्या कि फर्स्ट केसेस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक तरह से कहें तो एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है. ये है आपका एसिड क्लोराइड जो कि ये थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है, ये एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है. ये है आपका एसिड क्लोराइड और ये एसिड क्लोराइड पुनः डाइजोमीथेन से रिएक्शन करता है, डाइजोमीथेन से. तो डाइजोमीथेन आपका एक्सेस फॉर्म में होता है. यहाँ पर देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स दिखाया गया, एक्सेस फॉर्म में है ये. तो यहाँ से लिब्रेशन हो जाता है क्लोरोफॉर्म का और नाइट्रोजन गैस का. अभी मैं इसको मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करूँगा, इसका मैकेनिज्म मैं आगे बताता हूँ. तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है डाई एजो कीटोन. दिस इज N2 ग्रुप. वी कैन राइट दिस इन फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड N+O, लेकिन हमने यहाँ पर इसे N2 के फॉर्म में लिखा है. तो यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है डाइजो कीटोन, और फिर इस डाइजो कीटोन का फर्दर रिएक्शन कराया जाता है सिल्वर ऑक्साइड से बाय हीटिंग विद द सिल्वर ऑक्साइड. सिल्वर ऑक्साइड से जब हीटिंग किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, N2 ग्रुप इज एलिमिनेटेड वंस अगेन फ्रॉम हियर. N2 ग्रुप इज एलिमिनेटेड एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटीन. कीटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, कीटीन. सो वी कैन से दैट कि दिस कन्वर्जन ऑफ डाइजो कीटोन टू कीटीन, डाइएजो कीटोन टू कीटीन, दिस इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड उल्फ रीअरेंजमेंट. यह एक उल्फ रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन है जिसमें डाइजो कीटोन कीटीन में कन्वर्ट होता है. एंड फाइनली द कीटीन रिएक्ट्स विद द वाटर टू फॉर्म हायर होमोलॉग्स ऑफ द एसिड. और जैसे ही ये वाटर से रिएक्शन होता है, यह एसिड का एक हायर होमोलॉग्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इस पूरे रिएक्शंस में देखा आपने कि सबसे पहले थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराया जाता है, फिर जो है डाइजोमीथेन से रिएक्शन कराया जाता है, फिर जो है जो आपका बाई प्रोडक्ट मिलता है उसको सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराया जाता है, फिर इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराई जाती है. आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ होमोलॉग ऑफ एसिड, होमोलॉग ऑफ एसिड. दिस विच टाइप ऑफ होमोलॉग, दिस इज द हायर होमोलॉग.
यह होमोलॉग क्या है, हायर है। हायर क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बोक्सिलिक के साथ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, लेकिन इसके इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है दो ग्रुप लगा है, यानी दो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में हम जो है डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर होता क्या है कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को C डबल बॉन्ड O OH का थायोनील के साथ रिएक्शन कराया जाता है। Cl S डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ से देखिए एलिमिनेशन होता है किसका, एल्कोहल एसिड का HCl, और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है RCO O S डबल बॉन्ड O Cl। ओके, फिर यहाँ पर देखिए फर्दर रीअरेंजमेंट होता है, किस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, यहाँ पर देखिए Cl यहाँ अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ गया और ये यहाँ गया, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि RCO Cl यहाँ पर एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड हैलाइड, और यहाँ से निकल जाता है SO2। इस रिएक्शन को एक प्रोसेस से हम और दिखा सकते हैं। तो इसे आप जनरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड हैलाइड का। दूसरे स्टेप में हम देख सकते हैं कि जो डाइएजोमीथेन है हमारा, डाइएजोमीथेन इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N लाइक दिस। अब यहाँ क्या दिखा सकते हैं, चूंकि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर फर्दर इसमें क्या हो सकता है कि ये जो है एक दूसरे के होमोलॉग यानी रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है कि ये बॉन्ड आपका यहाँ आया तो ये बॉन्ड आपको कहाँ चला जाता है, इसके ऊपर यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है CH2 नेगेटिव N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N का, इस तरह से डाइजोमीथेन जो है ये पोलराइज हो जाता है। अब ये डाइजोमीथेन दिस बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब ये डाइजोमीथेन अटैक करता कहाँ पर, कार्बोनिल कार्बन पर, यहाँ पर देखिए जो एसिड हैलाइड अभी ऊपर बना, तो यहाँ पर इसको हम दिखा सकते हैं कि इसका जो कार्बन एनायनिक पार्ट है N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर देखिए ये एनायनिक पार्ट यहाँ पर अटैक करता है और ये बॉन्ड यहाँ फर्दर डिलोकलाइज हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ClCO- RCH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस का लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस का फॉर्मेशन होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज इंटरमीडिएट फर्स्ट, ये इंटरमीडिएट फर्स्ट है लाइक दिस। फिर क्या होता है, एक रिवर्सल ऑफ एनायन, एनायन का यहाँ देखिए रिवर्सल होता है और यहाँ से क्लोराइड आयन रिमूव करता है, दिस क्लोराइड आयन इज रिमूव्ड, बट हाउ रिमूव्ड, दिस रिमूव्ड विथ टेकिंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर, यहाँ से एक हाइड्रोजन के लेते हुए ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। इसके हाइड्रोजन को हम कुछ अगर यूँ दिखाएं ऐसे, तो ये यहाँ से इस हाइड्रोजन के लेते हुए निकलता है और यहाँ से देखिए पुनः इंटरमीडिएट सेकेंड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ बना देता है क्या कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ओके, हियर इज आर,
once again this is CH, negative charge, N plus, triple bond N, this is intermediate second, ये हमारा intermediate second है. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर once again there is rearrangement, ये anion इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये फर्दर डिलोकलाइज होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम और यहाँ फॉर्मेशन होता है आर सी ओ माइनस, यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड सी एच, ओके सिंगल बॉन्ड एन प्लस ट्रिपल बॉन्ड एन का, लाइक दिस समवर्ड दिस. Now what happen here, there is once reversal of charge and this is delocalized on this carbon and here is nitrogen is eliminated. Here you see that nitrogen is eliminated and there is formation of RC double bond O single bond CH. Here we can send that one lone pair. This is called carbene intermediate. There is formation of carbene intermediate like this somewhat carbene. And generally this reaction takes place in the presence of Ag2O, silver oxide. Silver oxide के presence में ये reaction हमारा जो है proceed होता है. Formation of the carbene, there is once again rearrangement takes place. तो यहाँ पर एक बार फिर rearrangement, तो rearrangement में क्या होता है, movement होता है, यानी एक तरह से कहें तो migration होता है. देखिए ये lone pair यहाँ आया और ये alkyl group जो है migrate कहाँ चला गया, इस carbon के ऊपर, ऐसे इस तरह से इनका जो है migration होता है, rearrange करते हैं और formation होता है क्या, R CH से जुड़ गया, यानी यहाँ R सी एस से जुड़ गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या कीटीन, ओके दिस इज कीटीन. फर्दर क्या होता है, फर्दर अब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल OH2, ये वाटर मॉलिक्यूल देखिए इस कार्बन पर ऐसे अटैक करता है तो ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है ऐसे, ओके और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है R सी एच नेगेटिव चार्ज सी ओ एच एच प्लस और यहाँ गया डबल बॉन्ड O. फिर वंस अगेन देयर इज प्रोटोनेशन, यहाँ प्रोटोनेशन होता है तो इसको हम डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं इनडायरेक्ट भी दिखा सकते हैं. तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करता है ऑक्सीजन के डिफिशियंसी को और यहाँ पर फॉर्मेशन करता है आर सी एच टू सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ. दिस इज द हायर होमोलॉग ऑफ लॉग ऑफ एसिड. तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ हमारा हायर होमोलॉग ऑफ एसिड. तो जनरली इस रिएक्शन में अगर देखा जाए तो the presence of a carbene has not been detected and therefore the two step splitting of nitrogen and migration of R group may be concerted. यानी ये डिटेक्ट नहीं किया जाता ओवरऑल रिएक्शन में, इसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है. तो इसीलिए होता क्या है कि यहाँ पर देखिए कि इसका रीअरेंजमेंट यानी एक साथ होता है, यानी जो एक तरह से कहा जाए तो ये थर्ड इंटरमीडिएट है. तो इस केस में होता क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन एंड माइग्रेशन ऑफ आर ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. यहाँ पर देखिए आर का माइग्रेशन यानी इस
ये यहाँ आया, यहाँ पर हमें भी दिखा सकते हैं, इस ग्रुप को यहाँ ले आएं और इस R को यहाँ ले आएं और इसको यहाँ से रिलीज कर दें, यानी यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से भी रीअरेंजमेंट कराया जा सकता है। सो तो ओवरऑल जो हमारा मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कीटीन। इसमें जो कीटीन का फॉर्मेशन होता है ये आइसोलेटेड होता है, और आफ्टर आइसोलेशन इसमें ये देखा जाता है कैसे आइसोलेटेड होता है कि अगर मान लीजिए जो रिएक्शन यहाँ से शुरू करा गया, मान लीजिए इस कार्बोक्सिलिक को हम लेबल्ड कर दें, सपोज करिए यहाँ लेबलिंग कर दिया जाए, इसको 13 कर दिया जाए, कार्बन 13, तो होता क्या है आफ्टर दैट ओवरऑल रिएक्शन जब हमारा प्रोसीड हो जाता है, तो यहाँ पर ये कार्बन लेबलिंग ये 13 यहाँ पर रहता है, ये न कि ये जो नेक्स्ट कार्बन हमारा इसमें इंट्रोड्यूस होता है इसके ऊपर रहता है, यानी ये वाला होता है। तो और दूसरी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो R ग्रुप हमारा यहाँ माइग्रेट होता है, दिस R ग्रुप दिस गिव द रिटेंशन इन प्रोडक्ट, या वी कंसिडर द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन फॉर एन ऑप्टिकली एक्टिव एसिड ऑन कन्वर्जन टू इट्स हायर होमोलॉग। इस रिएक्शंस को बारबियर विलेंड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी यूज़ किया जाता है, जिस तरह से R जो है माइग्रेट होकर के रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन देता है। तो सो ओवरऑल रिएक्शन इन्वॉल्व द माइल्ड रिएक्शन कंडीशन परमिट द सिंथेसिस विदाउट अफेक्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ रिड्यूसेबल ग्रुप इन द सबस्ट्रेट, द यील्ड इज हाई, और यील्ड जो होती है ये हमेशा हाई होती है। ओके, ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड और नॉट एस्टर्ड सिंथेसिस। तो इस पूरे मैकेनिज्म का मेन थीम ये है कि ये मैकेनिज्म बहुत ही यूजफुल है कार्बन चेन को इनक्रीज करने में, उसके नेक्स्ट हायर वन में इनक्रीज करने में बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें कई चीज़ें होती हैं, इसमें दो तीन टाइप का इंटरमीडिएट भी बनता है, जैसे कीटीन इंटरमीडिएट भी बनता है, डाईएजो कीटीन भी, कीटोन भी इंटरमीडिएट बनता है, और पुनः वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, और इसके बाद जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हायर होमोलॉग। इस रिएक्शंस के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, और उस एप्लीकेशंस में कई ऐसे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं कि जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हम नेप्थोइक एसिड ले लें, नेप्थोइक एसिड COOH, और ये हमारा अल्फा नेप्थोइक एसिड है, तो इसका यूज किस सिंथेसिस में करते हैं, इस नेप्थोइक एसिड का अगर हम सेम प्रोसीजर कराएं SOCl2 और CH2N2 के साथ, यह थायनिल क्लोराइड और डाइजोमीथेन के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है डाई एजो, देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा COCHN2, देर इज फॉर्मेशन ऑफ, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं डाई एजो अल्फा एसीटोनेप्थोन, यह एसीटोनेप्थोन का फॉर्मेशन करता है, और फिर यही एसीटोनेप्थोन जब हम यहाँ यूज़ करते Ag2O और वाटर मॉलिक्यूल, सिल्वर ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करके यहाँ हीट करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है नेक्स्ट CH2COOH, यहाँ फॉर्मेशन होता है, दिस इज द अल्फा नेफ्थेलिल एस्टिक एसिड, अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड, और वो भी जो उसकी यील्ड होती है वो लगभग होती 80% यील्ड होता है।
तो एक तरह से देखा जाए तो ये एरोमेटिक रिएक्शन में भी ये और नॉट सिंथेसिस हमारा भाग लेता है और इसके थ्रू यहाँ हायर होमोलॉग इस एरोमेटिक एसिड का बन जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली ये एरोमेटिक एसिड है, लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू एस्टिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस्टिक एसिड, कार्बन चेन के बन जाने से, बढ़ जाने से आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो है नेचर वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो और नॉट सिंथेसिस के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। सो ऑल दीज रिएक्शंस आर टेकिंग पार्ट थ्रू दिस रीअरेंजमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू।